अभी खबर है उमरिया जिले से, जहां उमरिया जिले के बांधवगढ़ विधानसभा अंतर्गत बिलासपुर में मशाल जुलूस निकालकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। गद्दी पर बैठे हैं उनने भी इस कानून के पक्ष में बोला है। हम किसान पुत्र हैं, हम जिस क्षेत्र पे, जिस बांधवगढ़ विधानसभा में, जिस उमरिया जिले में रहते हैं, वहाँ 90% किसान रहते हैं और किसान के हितों के लिए, किसान के मुद्दों पर हम किसी भी सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। देश में ऐसी अराजकता फैली है, महंगाई चरम पर है, महिला परेशान है, युवा बेरोजगार है, किसान सड़कों पर है, ऐसी स्थिति निर्मित लाई है जो शायद ही 70 साल में कभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। साथियों, आज युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक हर जगह इस बात को उठाने की कोशिश कर रहा है कि यह जो विरोध, ये जो कानून लाया गया है उसका किस तरीके से वापस किया जाए। किसान का मुद्दा हो, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो या किसान की समस्या को लेकर हो, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कल भी संघर्षरत था, आज भी संघर्षरत है और ये हमेशा संघर्ष करता रहेगा। किसानों की आवाज़ हो वो बुलंद करने के लिए युवा कांग्रेस पूरे किसानों को अपना पूर्ण समर्थन देता है।